दिन दहाड़े लुटेरों ने एचडीएफसी बैंक को बनाया निशाना। 50 लाख करीब राशि ले उड़े लुटेरे। तरन तारण की एसएसपी ने दी जानकारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। तरन तारण के जंडियाला रोड पर सटित बैंक एचडीएफसी बैंक में दिन दहाड़े दो लुटेरों ने बैंक में डाका डालकर 50 लाख के करीब राशि उड़ाकर ले जाने का मामला सामने आया। हालांकि दोनों विकती थे और एक ने पुलिस की वर्दी पहनी थी। यह सारी जानकारी जिला तरन तारण के एसएसपी ने मामले की पूरी छानबीन करने के बाद मीडिया को दी। एसएसपी ने बताया कि लुटेरों को काबू करने के लिए पेट्रोलिंग और नाकाबंदी की जा रही है। बाकी मामला दर्ज कर अगलेरू कार्रवाई शुरू कर दी है। अमृतसर से सोनू सोड़ी की रिपोर्ट। उम्र करीब 35-40 साल के जिन्हों की हैगी सी, जिन्हों के जोड़े फेस ही कवर किए हुए थे, मास्क पाए हुए। 3:17 के उत्ते एंटर होंगे जी रॉबरी वारदात में जान लगे। सर पता लगा कि वर्दी के आए ने पुलिस जोड़े दो सस्पैक्ट है इन्होंने एक जो सस्पैक्ट है उन्हें पुलिस की यूनीफॉर्म जी पाई हुई थी, जो शर्ट वह ढंग नहीं किया हुआ बाहर से, जिमें कॉन्सटेबल हैड कॉन्सटेबल रैंक की जी वर्दी दिस रही है जी उन्हें शो की उन्हें कली पग बनी है। जो 50 लाख के करीब जी अमाउंट हैगी जी सर अपनी फिर कितने सुरक्षा हैगी कि जिस तरह की वेखन मिल रहा कि हम नाकेबंदी होनी चाहिए आ दिन दिहाड़े सर लुट हो जाए। देखो जी हैगी असि अपने बाकी जी है शहर के नाकाबंदी भी की जाती है, होर भी जी पेट्रोलिंग की जाती, बट इस तरह की जी वारदातें कई बार हो जाती है, बट जी असी फेस करा जल्दी कर लगे। सर जो अंदर गनमैन रखे कि रिवॉल्वर नहीं है जो कोई किसान रोक पाया हो? नहीं, जोड़ा बैंक का गार्ड है ये कोई वैपन नहीं है। कोविड तो पहले जे इतने वैपन है वाले जे गार्ड होंगे उन्होंने को वैपन हों, बट आफ्टर जी कोविड तो बाद फिर इतने इन्हों का जो है विदाउट वैपन गार्ड खोल चुका है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी वाले। सर टोटल किन्ने जने ने गार्ड? एक ही है जो एक्टिविस्ट है दो जने। थैंक यू।